दिखाते हैं अपनी अगली स्टोरी। मुंबई पुलिस बेनकाब। जहां तक मुंबई पुलिस का सवाल, उन्होंने तो कोई जानकारी, कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। मुंबई पुलिस का सबसे बड़ा झूठ। वो तो एक खाना पूर्ति कर रहे थे कि किस तरह से लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के पोस्टमार्टम में निकली गड़बड़ी। मामला हम रफा दफा कर देंगे। क्या सुशांत की बनाई गई गलत फॉरेंसिक रिपोर्ट। ना तो परिवार छोड़ने वाला है, ना उनके फैंस छोड़ने वाले हैं। ड्रग्स से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने जी न्यूज को बताया कि कोकीन और एमडी जैसे ड्रग्स के सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में महज 2 या 3 दिन तक पाए जाते हैं, लेकिन चरस और गांजा जैसे ड्रग्स के सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में कम से कम 15 दिनों तक पाए जाते हैं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े होते हैं। हैरानी की बात यह है कि सुशांत के कुक नीरज ने जांच एजेंसियों को बताया कि सुशांत को मौत से 6 दिन पहले ड्रग्स दिए गए थे, और रिया चक्रवर्ती के कुछ चैट डिटेल्स से भी ऐसा ही खुलासा हुआ है। जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सुशांत ने वाकई मौत से सिर्फ 6 दिन पहले ही ड्रग्स कंज्यूम किए, तो उनकी पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में ड्रग्स का सब्सटेंस कैसे नहीं पाया गया। इसे आप इस तरह से समझिए, सुशांत ने 8 जून को कोई ड्रग लिया, ड्रग लेने के 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत की मौत हो गई, 7वें दिन यानी 15 जून को सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ, 8वें दिन यानी 16 जून को सुशांत की बॉडी की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, लेकिन सुशांत की बॉडी में ड्रग्स की जानकारी ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है और ना ही फोरेंसिक रिपोर्ट में, जबकि ऊपर हम आपको बता चुके हैं कि मेडिकली ड्रग्स के सब्सटेंस बॉडी में 15 दिनों तक रहते हैं। ऐसे में बॉलीवुड ब्रेकिंग 2020 जानना चाहता है कि क्या फोरेंसिक जांच में गड़बड़ी की गई, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है, क्या मुंबई पुलिस ने इस एंगल को जानबूझकर छिपाया, आखिर इस तथ्य को छिपाने की वजह क्या हो सकती है। ये वो सवाल है जिनका जवाब सीबीआई, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल से जानना चाहती है। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह भी रिया से जानना चाहते हैं कि रिया ने सुशांत को मानसिक बीमार क्यों बनाया। अगर कोई उनका इतना सीरियस मेंटल हेल्थ इशू था तो उनको फिर परिवार को बताना चाहिए था कोई ऐसा मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि उनका तो कोई स्टेटस उनके साथ था नहीं। वो राजा के साथ रहना चाहती थी लेकिन रानी नहीं बनना चाहती थी, तो इसलिए ये इस तरह का जो व्यवहार होता है ना कि आप जितना फायदा उठाना चाहिए उठा लीजिए। रिया ने सुशांत के पापा का फोन क्यों नहीं उठाया। SMS किया, पिता ने कहा कि हमको बात कराओ, हमको बताओ क्या है, तो उनको बताना चाहिए था। आखिर क्यों सुशांत को दिया गया जहर। पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था बाय उनसे छुपा करके, उनके बिना उनके जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनके पानी में डाल के ड्रॉप्स डाल डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है, तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो बेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस सारे मामले में। सुशांत के पिता के वकील ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही सुशांत रिया के जाल में फंस गए हों, लेकिन परिवार रिया के जाल में बिल्कुल नहीं फंसेगा। ना तो परिवार छोड़ने वाला है, ना उनके फैंस छोड़ने वाले हैं, इसलिए अब सीबीआई को मामला गया है, और सीबीआई भी सही माने में इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही स्टार्ट किया है, और इतने कम दिनों में देखिए इतना बड़ा खुलासा होते जा रहा है रोज का रोज। तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत जल्दी कुछ इसमें और बहुत बड़ा खुलासा होगा। विकास सिंह के सवाल और सीबीआई की जांच दोनों का केंद्र रिया और रिया से जुड़े लोग हैं, और मकसद सिर्फ एक है, सुशांत को इंसाफ दिलाना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.